फाइनली दोस्तों राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 23 और 24 जुलाई को जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन साथ ही बोनस अंकों को लेकर विद्यार्थी हैं वो मांग कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब पर भी, ठीक है कि नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाए। तो इस बार आपको बता दें नॉर्मलाइजेशन 100% किया जाएगा, क्योंकि लेवल फर्स्ट में तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, लेकिन लेवल सेकंड में 3 पारी में जो पेपर हुए थे उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा तो यहाँ पे नंबर किसी के काटे नहीं जाएंगे, मोटा मोटी बात ये नंबर किसी के काटे नहीं जाएंगे। नंबरों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, वो किस प्रकार से रिजल्ट के साथ नंबर ऑटोमेटिक बढ़कर आ जाएंगे, पात्रता क्लियर कर पाएंगे लगभग यहाँ पे 12 लाख प्लस विद्यार्थी पात्रता क्लियर कर पाएंगे। फिर बाद में मुख्य पेपर का फॉरम है वो भरवाया जाएगा अगले महीने में, लगभग रिजल्ट आपका 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा किसी भी वक्त, ठीक है। ठीक है, किसी भी वक्त डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। लगातार 3 घंटे चली बैठक में दोनों मुद्दों में से सबसे ज़्यादा बोनस अंकों पर बात चली है, ठीक है। बोनस अंक हैं वो दिए जाएंगे तो किस किस पारी में कितने दिए जाएंगे आपको बता दें। 23 तारीख की जो सेकंड पारी है उसमें 10 से 12 अंक तक बोनस दिए जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही बता दें 24 तारीख की फर्स्ट में भी 6 से 7 बोनस अंक हो सकते हैं, ठीक है। 24 तारीख की सेकंड है उसमें भी यहाँ पे 8 से 9 अंक बोनस तौर पर दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नॉर्मलाइजेशन को लेकर किसी भी वक्त 1 से 2 दिन के अंदर बोर्ड की बैठक में अपडेट आने वाला है, जैसे कोई भी अपडेट आएगा आने वाले दिनों में सबसे पहले आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं।